और रिकॉर्डिंग इन मैक एड्रेस है वो प्रोग्रेस। गूगल पकड़ लेते हैं, तो जितने भी फिर अगर रीडायरेक्शन उधर से जाएंगे तो वो सेम उससे जाते हैं, तो उसका इश्यू नहीं होता फिर। कंप्लेन लगानी है आपने? कंपेन का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि देखे ना, मैंने अपने लैपटॉप से मैंने वो ऐसे रिडायरेक्ट लिंक बना लिया गूगल का। उसके बाद क्या होगा, जो गूगल है उसको पता चल जाता है कि इस आईपी से रिडायरेक्ट लिंक बना है, लेकिन जब भी जितनी भी ट्रैफिक ज्वाइन कर रही है तो वो, नहीं कोई इश्यू नहीं, इस चीज का कोई मसला नहीं है। आप हाँ जिस लेकिन वो तो सेम यूजर एजेंट से जाते हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मसला नहीं बनेगा सेम यूजर एजेंट का। कोई मसला नहीं है, इसका आईपी के साथ कोई चक्कर नहीं है। रीडायरेक्ट लिंक, मैं यहां से रीडायरेक्ट लिंक बना अगर मैं पूरी टीम में डिवाइड करता हूं, जो क्लिक करते हैं ना वो रीडायरेक्ट लिंक के जरिए क्लिक करते हैं। रीडायरेक्ट लिंक सीधा पेस्ट करते हैं, साइड निकल आती है, उसके ऊपर जाके किसी ऐप के ऊपर क्लिक कर देते हैं, पहली बार है आ रही होती है उसके ऊपर। ओके रीडायरेक्ट ओके। लिंक क्लिक करते हैं तो मैं अपने अपने और रीडायरेक्ट लिंक बना के देता हूं, वो क्लिक करती है, कोई इशू अच्छा दूसरा ये रहमान भाई, ऐड लिमिट का आपने नहीं। पिछली, आपका हाँ आपको अभी एसएमएस पे आ रहे हैं, ये 100 बंदा बैठा हो अगर सारे घूमने भी आ गए तो काम खराब हो जाएगा। नहीं भी आ रहे यार, हाँ फायरफॉक्स से ही आपने कॉपी कर, फायरफॉक्स, फायरफॉक्स के अलावा किसी भी ब्राउजर से रीडायरेक्ट लिंक नहीं बनेगा। यार जो लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं, वीपीएन में कुछ आपको बता देती हूँ, वीपीएन VPN अभी तक अपडेट हो चुका है। उसके बाद एक्सप्रेस VPN, डॉट VPN, फिर उसके बाद एक और VPN है यार, उसका नाम बड़ा गंदा सा है, वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, मेरे पास 20,000 आईपी देता है। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी वेब शेयर की कोई मसला नहीं है मुझे, मैं ग्रुप के अंदर टोटली शेयर कर दूंगा, मैं बताता रहता हूँ ग्रुप के अंदर, ये लोडिंग के दिनों में बताता रहता हूँ क्या चीज चल रही है क्या चल रही है। यार मैंने पिछले मंथ, मैं से बताऊँ, मैंने प्रोक्सियाँ यूज की थी, पैकेट स्ट्रीम की प्रोक्सियाँ यूज की थी, लेकिन उनसे मेरा काफी इनवैल्यू लगा, तो अभी साथ मैंने एक वेब शेयर की प्रोक्सियाँ भी यूज की थी, तो थोड़ी सी अच्छी रही है वेब शेयर की प्रॉक्सियां, तो मैं वेब शेयर की तरफ अभी आया हूँ, इसलिए बार बार मैं वेब शेयर का आपको बता रहा हूँ, नाइन टू टू प्रॉक्सी का बता रहा हूँ। हेलो सर्फ शार्क सुनाई दे रहा है हेलो, समीर जी? नहीं यार, वॉइस पे आओ, उधर आओ, वॉइस नहीं, प्लीज यार माजरत, लेकिन वॉइस पे 100 बंदा पूरा बैठा हुआ, अगर सारे का सारा वॉइस पे आया ना तो काम खराब हो जाएगा। मैसेज दो तो प्लीज, मैं आपके साथ बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा यार। ऐड कोड रिमूव करके दोबारा लगाओ। आईपी रॉयल की प्रॉक्सी भी अच्छी है, आईपी रॉयल और वेब शेयर की प्रॉक्सी एक जैसी है, वो यूज कर सकते हो, आईपी रॉयल की प्रॉक्सी अच्छी है, कर सकते हो यूज, लेकिन उससे भी अच्छी वेब शेयर की रेजिडेंशियल प्रॉक्सी, आईपी रॉयल से अच्छी वेब शेयर की रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है। हाँ यार क्लिकिंग का मंजूर खान बताता हूँ मैं, बस इसके बाद 35 ट्रैफिक के ऊपर क्या क्लिक करना है यार, एक क्लिक 35 तो क्या रहा, 35 बंदे रोजाना के आ रहे हैं, एक क्लिक कर सकते हो रोजाना का, एक क्लिक कर सकते हो। रील का लोडिंग कोर्स मैंने लिया है, लोडिंग टेस्ट का। अच्छा ठीक, अल्लाह आपको हिदायत दे, आफाक अहमद। बाद में बताता हूँ, मेरे मैथड मैथड बताऊँ। सीपीसी का यार मैंने बताया कि वो जो मैंने मैथड बताया छोटा सा, कि वो ऐड को ऐड ब्लॉक कर दें,
जो जिनका हाई सीपीसी नहीं है, उसके बाद 400 से 500 क्लिक दो आप, 500 क्लिक देने के बाद नेक्स्ट डे आपका सीपीसी इंक्रीज हो जाएगा, कोई वेट शेयर नहीं करना। 500 पेज व्यूज के ऊपर एक क्लिक करो, फिर 500 पेज व्यूज के ऊपर एक क्लिक करो, सीपीसी। यार गूगल गूगल ऐड के ट्रैफिक, मुझे गूगल ऐड मैंने काफी रन करने की कोशिश की है, मेरे से भी नहीं हो सकती। जिससे रन करना आता है मेरे साथ, रहा करना मुझे विस्तार दो सीपीसी ऐड्स, गूगल ऐड का जिसको चलाना आता है, गूगल ऐड का जो तो कितनी देर में यार मैं आपको बताता हूँ, फाइव बाई थोड़ा सा वेट करना आपको, मैं पर्सनल में बताता हूँ। भाई सोना भी है, क्लास जल्दी खत्म करो यार, बताओ जल्दी जल्दी। हाथी आई करना ठीक है, हाथी भाई मेरे साथ आपका करना है यार, ना आदमी ट्रैफिक ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए क्या कनेक्ट ही बताया करना था था आपने? यार। ट्रैफिक की मैं आपको साइड बताता हूँ, ये आपके पास खुला हुआ है, मेरा नजर आ रहा है आपको सबको, टाइम बक्स इसका टोटल डिपॉजिट करना हो सारा कुछ, मैं आपको वो एक डिटेल क्लास इसकी मैं बना दूंगा, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है? वो उसके आप नहीं, टेंशन ना ले, अभी कल या परसों मैं इसकी पूरी ट्रैफिक डिटेल इतनी नहीं अच्छी, ये सारी क्लास बना दूंगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन कंट्रीज से आती है, यूके यूएस की जीरो है। यार पेड ट्रैफिक आपने लेनी है ना, यहाँ से ट्रैफिक लगा के अपना सीटीआर डाउन कर सकते हो, बाकी आप सेल्फ भी दे सकते हो, कोई इशू पेड़ पेड़ बाय कर लो, बड़े बंदे सेल करते हैं यार ट्रैफिक, बहुत बंदे सेल करते हैं, 360 ही सेल करते हो नहीं, सिर्फ हमें एक क्या बार। पता उसने बॉट लगाया वो। यार कोई मसला नहीं पेड़ है, तो आप कोई भी सेल करते बात हैं। है यार, पेड़ ट्रैफिक टोटली रिस्क है, कोई इशू नहीं है, जहां से भी आपको ट्रैफिक दे रहा है ना उसका गंदी नहीं होनी चाहिए, बंदा आपका ट्रस्टेड है, अगर टीम स्टार फाइव आपकी ट्रस्टी रहना तो टीम स्टार फाइव से लगवाओ, अगर ये ट्रस्टी नहीं है किसी से भी आप लगवा सकते हो, जो आपका ट्रस्टेड बंदा, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये गंद नहीं रहमान भाई, खाएगा। ये आपने बोला था क्लास आपको खुद मुख्तियार बनाएगा, आप जहाँ से आप लेते हैं वहां बताए ना कि कहाँ से लेते हैं, हम भी वहां से लगवा लें, क्योंकि आप तो यूएसए की और यूके की ट्रैफिक लगवाते हैं। अब टाइम बक्स में तो लोग चलो मैं नहीं उससे लेता, टियर कंट्री से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम लाल भाई, क्या जी ट्रैफिक स्टार से जाते हैं, मेरा खुद ट्रैफिक स्टार का अकाउंट है बकायदा, उसके अंदर अभी डॉलर्स भी पड़े हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। हेलो जी जी बुला दो, नहीं मैं आपका क्लास पे लगा जी, हुक्म दे यार, मैं क्लास के ऊपर बैठा, मैं यार ना करो यार, तू मेरी स्क्रीन पर नहीं कर रहा, बच्चे को क्या करना है सर, आगे क्लास स्टार्ट करें, क्वेश्चन आंसर सर, मेरी डेली क्लास पर 300-400 की ट्रैफिक लगाता हूँ, उससे लोडिंग कर सकता हूँ, हाँ कर सकती हो यार लोडिंग, गूगल एड्स के ट्रैफिक जस्टली ट्रैफिक है गूगल के, रोटेशन प्रॉक्सी का बताएं। रोटेशन प्रॉक्सी से कभी भी लोडिंग नहीं करता, यार ट्रैफिक स्टार से काफी ज्यादा पैसे लग जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक स्टार का मेथड भी मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल, सब लोग देखते हैं ना क्या मेरा चैनल, तो सबको पता है ना स्टार फाइव कम्युनिटी, उसके ऊपर यही चीज है, वो कोई उसका सीन नहीं है, कमाई वाला चैनल नहीं है, सही है रहमान भाई, कभी पैसे कभी हम जाओ भर उसके रहे ऊपर हैं एक रिकॉर्ड और भी कोर्स करते हो, यूट्यूब पे उसकी अपलोड हो रहा वीडियो है। भी आती रहेंगे फिर भी, क्लिकिंग का मेथड यार, ये टाइम बक्स की मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है ना, टाइम बक्स मैंने बता दिया, क्रेडिट कार्ड्स भी इसके अंदर जाता है, बैलेंस और वो
यार वो बिटकॉइन टाइम बक्स के अलावा कोई चीज बताओ, ये नहीं अच्छी ट्रैफिक हमने लगा के देखी, इसका कोई फायदा नहीं। मैं ये यूज करता हूं, खुद ये यूज कर रहा हूं, ये और ट्रैफिक स्टार पप ऐड की ना, पप ऐड की ट्रैफिक अच्छी है भाई। ये जो जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, ये सबको लोडिंग के बारे में कुछ पता है, जो न्यू है उनको कुछ पता ही नहीं है, वो चुप करके बैठे हुए हैं। वॉइस बंद करने का है, वॉइस बंद करने मैसेज में यार, मैसेज में रहमान भाई, मैंने इधर से टाइम बॉक्स से ट्रैफिक लगाई थी, मैंने टाइम बॉक्स से ट्रैफिक लगाई थी तो मेरा एड्स इजोएक डिसेबल हो गया उसकी वजह से, टाइम बॉक्स की वजह से। रहमान भाई टाइम बॉक्स से ट्रैफिक लगाई थी, इजोएक डिसेबल हुआ है मेरा उससे, एडसेंस पे एड लिमिट आई है। जी बताएं वही बैठे हैं सुनने को हम तो। यार वही मैं आप लोगों को बार बार यही कह रहा हूँ कि ट्रैफिक जो सीडीआर काम करने के, आप किसी से भी लेते हो ना, आप बस बंदा ट्रस्टी देखो, आप ट्रैफिक बंदा ट्रस्टी छोड़ो, आप फाइबर पे ट्रैफिक लेते हो, फाइबर का पता ना किसी को, फाइबर से जाके वादू बंदे बैठे हुए ट्रैफिक सेल कर रहे हैं, वहां से आप ट्रैफिक बाय कर सकते हो, अच्छी से अच्छी ट्रैफिक देंगे आप। सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का होता है सर, मसला ही है ना, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइबर से भी हमें बंदे पे क्या है तबार के, उसने वो बॉट लगाया, वो बॉट तो हम खुद लगा सकते हैं, बॉट का इशू ही नहीं है, बॉट से जितनी आपको स्पेसिफिक ट्रैफिक चाहिए। अदरवाइज टाइम बक्स हो गया, ये ट्रैफिक स्टार हो गया, एड्स तेरा हो गया, फेसबुक हो गया, आप इनसे कंपनी लगा के ट्रैफिक ले सकते हो आप लोडिंग के लिए। भाई ये जितने भी लोग हैं सबको लोडिंग के बारे कुछ ना कुछ पता है, जो न्यू है वो चुप करके बैठे हुए हैं, आप जरा उस तरीके से समझाएं, कुछ समझ नहीं लग रही है, कभी कोई बात आ जाती है, कभी कोई बात आ जाती है। स्टार्ट से जो मैंने शुरू में बताया ना हर चीज, मैंने बताई है कि आप लोगों को कैसे कुछ पे इन्वेस्ट करना है, अपने आप इन्वेस्ट करना है आप लोगों। मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रैफिक यहां से उठानी है, क्लिकिंग का मैं मेथड आपको भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्लिकिंग का बता रहा हूं। रहमान भाई टाइम बक्स के अलावा कोई बता दें, क्योंकि मैंने इस ट्रैफिक लगाई है, मेरा इजोएक डिसेबल हो गया है इस वजह से। भाई जब लोडिंग कर रहे हो सारा कुछ होगा यार, क्यों टेंशन। मैंने लोडिंग नहीं की, सिर्फ ट्रैफिक लगाई थी मैंने, सिर्फ ट्रैफिक। आप किसी एक चीज ट्रैफिक अकेली दोगे नहीं डिसेबल होगा, मुझे ये बताओ कि दो क्लिक ट्रैफिक, मैंने मेरा उधर इनवैलिड ट्रैफिक का आ रहा है इजोएक पे, और जो इजोएक है वो डिसेबल हो गया वन ईयर के लिए। इससे मैंने टाइम बक्स से ली थी, तो जो रेट है इसका 100% चला गया है, एवरेज टाइम इसको क्या कहते हैं, बाउंस रेट 100% ही आता है, ये ट्रैफिक रुकती नहीं है टाइम बक्स की। मैं भी वही कह रहा हूँ ना, 100% मेरा वो गया है और डिसेबल हुआ है इजोएक मेरा। पिछली क्लास में बताया था इन्होंने, पहले मैं दूसरे से ले रहा था, रहमान भाई ने बताया, मैंने कहा यार ट्राई करता हूँ, तकरीबन 7 days मैंने चलाई है, उसके बाद डिसेबल हो गया। रहमान भाई क्लिकिंग मेथड बता दे, बाकी क्वेश्चंस ये बाद में करते रहेंगे। यार क्या मतलब है कि ये बात ना करते रहेंगे, ये गलत बात है ना यार। अब अच्छा रहमान भाई दूसरा भाई, कितनी गलत बात है यार, कैसे के अंदर आ रहे हैं सारे, रहमान भाई एड लिमिट का आपने बताया था कि एड लिमिट ऐसे रिमूव होगी, लेकिन वो भी रिमूव नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन भी है और एक इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूँ। रहमान भाई का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी देर से ये इनकी जो जूम की सेशन है उसको देख रहा था। जो ट्रैफिक है ना, आप जहाँ से मर्जी एक्सपीरियंस करो, ट्रैफिक स्टार्ट से करो, बिटवर्टाइजर से करो, टाइम बक्स से करो, प्रॉफिट सेंटर से करो, दाउडाडाइट से करो, जितने भी आपको नेटवर्क मिलेंगे ना आप ट्राई कर लो ट्रैफिक। रहमान भाई की बात बिल्कुल ठीक है, सेफ नहीं है,
ट्रैफिक आप 7 दिन मैक्सिमम लोगे तो आपकी साइट पे या एड लिमिट आएगी या अकाउंट उड़ जाएगा। आप फेसबुक की ट्रैफिक पे ट्राई करो, फेसबुक की ट्रैफिक से भी कई लोगों के एडसेंस डिसेबल हो जाते हैं। सबसे जो बेस्ट है गूगल का थ्रेशहोल्ड है, वो भी बाज़ दफ़ा जो है वो इशू कर देता है, मतलब उसकी ट्रैफिक जो है ना बाज़ दफ़ा आती प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो आती थोड़ी 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 ट्रैफिक आती है, तो वो ट्रैफिक थोड़ी सी बेस्ट है बस। इसके अलावा आपको अगर एड लिमिट फेस आती है ना ये दूसरे नेटवर्क से ट्रैफिक की वजह से, वो एड लिमिट चली भी जाए तो आपके बाद में एड्स लाइव नहीं होते एक एक मंथ दो दो मंथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये आप ट्राई कर लो, जितने मर्जी नेटवर्क आप यूज कर लो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये कंफर्म है। यार जल्दी क्लास करें, आपको भी गर्मी लग रही होगी। गर्मी बढ़ गई है यार आज। सही है यार रहमान भाई, कभी कॉल आ रही है कभी क्या, क्लास ऐसे नहीं होती यार। हम जो 1 घंटे की क्लास है वो 3-3.5 घंटे पे चली जाती है। कसम से यार हम देहात से हैं यार, यहां तो नेटवर्क ही नहीं है। तो बोला वगैरह तो आपके इधर नहीं चलती है ना यार, आप क्लास तो होने नहीं दे रहे तो दूसरा है ना क्या करना है। अगोरा नाम से है प्रोजेक्ट, तो बोला क्यों नहीं चलती सर, तो बोला दौड़ती है दौड़ती है तो बोला पाकिस्तान में तो नहीं चलती, कोई मसला नहीं आरडीपी से चलाएंगे उसको, कोई इशू नहीं, तो आरडीपी पास लगा लेना यार। हां तो वही मैं बोल रहा, लेकिन बोला की ट्रैफिक अच्छी है बस, बाकी तो बोला का जो फाटर है वो दूसरा है प्रोजेक्ट अरोड़ा अगोरा। सर वो महंगे हैं ना, तो महंगे हैं वो एड महंगे, आपको $1 में 20 क्लिक भी नहीं देंगे यूएसए से, तो वो बोल रहा हूं कि वो ट्रैफिक वही है। एडसन अगर टेंपरेरी ब्लॉक हुआ हो तो 1 मंथ के बाद जब टेंपरेरी खत्म हो तो उस पे लोडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगले दिन ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस सीटीआर का कंट्रोल रखिए आप। नेक्स्ट ये ना हो गए बिल्कुल ही डिसेबल हो जाए, हो जाता है वो भी, डिसेबल चांसेस वो फर्स्ट टाइम पे भी हो जाते हैं। मान भाई आपका पंखा भी भाग गया, वो तो फिर आपके चांस ज्यादा हो जाएंगे, आपको यही है कि फिर आप हाथ हल्का रखें बस, आप ट्रैफिक अच्छी दें उस पे बस, वही रहमान भाई बता नहीं रहे ट्रैफिक का, हम फिर क्या करें आप वो बताएंगे अपना सोर्स तो भाई, आपकी मेहरबानी चुप कर जाओ यार, वो उन्हें बोलने तो दो लैपटॉप के लिए माइक यार। यार ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने डाउनलोड कहां से करना है, जितने भी न्यू यूजर हैं बार बार मुझे कह रहे थे न्यू के लिए भी। यार यहां पे आपने सर्च करना है एंटी डॉल्फिन ब्राउजर, यार ये एंटी डॉल्फिन जो भी ब्राउजर सर्च करो मेरा उसके बाद ये डॉल्फिन आ रहा है, ये नीचे ये डॉल्फिन नजर आ रहा है सबको, ये ब्राउजर है डॉल्फिन, ये देखो ये डॉल्फिन ब्राउजर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहां से आप डॉल्फिन ब्राउजर डाउनलोड करके इसके अंदर मेल लगा के इसको लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैंने लॉगिन भी किया, मैं आपको वहां से क्लिकिंग मेथड आपको बता देता हूं उसका ना। रहमान भाई कोई भी लॉगिन कर ले यूएसए यूके या पाकिस्तानी जी में, ये आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, ये डॉल्फिन ब्राउजर का इंटरफेस है, ये देखिए आ रहा है नजर आपको, ये क्रिएट प्रोफाइल लिखा हुआ है, क्रिएट प्रोफाइल, यहाँ के अंदर अभी सारा कुछ जो भी माल मता है ना, अभी सारा कुछ एक एक चीज समझने वाली है, ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ये देखो कोई भी नाम आ गया, आप यूज करो क्रोम, आप यूज
यूज करो, फायरफॉक्स आप यूज करो, वीपीएन आप कुछ भी यूज करो, ये दो तीन चीजें हैं जो समझने वाली हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज है जो मैटर करती है, ठीक है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नाम लिख लेना, टैग यहाँ पे कोई भी, ठीक है, यहाँ पे आप मैक सेलेक्ट कर लो। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये न्यू फिंगरप्रिंट सबको नजर आ रही है, ये चीज कोई भी ब्राउजर यूज करते हो ना, ये नो न्यू फिंगरप्रिंट, ये समझ लो कि आपके कंप्यूटर की सबसे अहम चीजें हैं। ये देखो अभी मैं हर दफा यहाँ से मतलब चेंज करूंगा ना, ये हर दफा ये नीचे सारी इंफॉर्मेशन है टोटली चेंज होगी, सही है, प्लेटफॉर्म हो गया, वेब आरटीसी होगी, कैनवस हो गया, वेब जीएल होगी, हर चीज चेंज करेगा यहाँ से। इसलिए हम बार बार जो है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर यूज करते हैं, ताकि इसके अंदर आसानी से हम हर चीज जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये मैं न्यू फिंगरप्रिंट करता हूँ, ये हर चीज मेरी दोबारा चेंज होगी, नीचे आपको चेंजिंग यहाँ से नजर आ रही होगी, वेब जीएल ऊपर सारा कुछ चेंज होगी, वो बड़ी है इसलिए जल्दी नजर आ जाती है, तो ये चेंज हो रही है सारी। जब भी मैं न्यू फिंगरप्रिंट करूंगा मुझे न्यू हर चीज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, मेरे प्रॉक्सी ऐड कर लेते हैं। ये प्रॉक्सी का ऑप्शन है, सबसे ऊपर ब्राउजर है, ब्राउजर से नीचे प्रॉक्सी का ऑप्शन है, ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, मैं फिर मार्क करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है सबको, ये जी जी रहमान भी आ रहा है, ठीक है। आपने प्लस के ऑप्शन पे इधर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप प्रॉक्सियां उठा लो, मैं प्रॉक्सियां भी उठा लो। नजर आ रही है प्रॉक्सी वाला आपको सेक्शन, ये मैं प्रॉक्सियां डाल ली इसके अंदर सारी की सारी। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा यार ये प्रॉक्सियां देखें सारी की सारी मैंने ऐड कर ली है, प्रॉक्सियां ऐड करना यार ये नाम जानना पड़ेगा यार, ये फाइनल देख लो वेले बैठे हाथ ही रख के पाकिस्तान में यार खत्म मैं क्लियर करता हूं। अच्छा ये प्रॉक्सियां यहां पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, सारी की सारी प्रॉक्सियां ऐड कर ली, ये प्रॉक्सियां ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। यहां पे भी सारी प्रॉक्सियां मैं चेक कर लेता हूं कौन कौन सी प्रॉक्सी वर्किंग में और कौन कौन सी प्रॉक्सी वर्किंग में नहीं है, डबल कर्सर का ऑप्शन आ रहा है वहां से मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। ये मेरी सारी प्रॉक्सी एक्टिव है, ठीक है, ये देख लेते हैं ये सारी वेब से ठीक है, सही है, ये प्रॉक्सियां मेरी एक्टिव है, ठीक है, एचटीटीपी प्रॉक्सी सारा कुछ उसने बता दिया। यहां पे आके भी मैंने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, क्रिएट प्रोफाइल में यहां पे कोई भी नाम लिख देता हूं मैं, सही है। नाम लिखने के बाद यहां पे ज्यादातर आप यूज करें मैक ओएस यूज करें, नीचे आप ब्राउजर यूज कर लें गूगल या कोई भी ब्राउजर यूज कर लें। मैंने प्रॉक्सियां सेव मतलब की हुई है पहले, तो मैं सेव प्रॉक्सी में जाऊंगा ना, ये सेव प्रॉक्सी में गया हूं मैं तो उन्होंने शो करवा दिया नीचे ये प्रॉक्सियां आ गई जो मैंने लगाई हुई, ठीक है। यहां पे मैं कोई भी प्रॉक्सी सिलेक्ट कर लेता हूं, ये मेरी सारी मेरी सारी माइक ऑफ करने पड़ने यार आप
यार ये देखें समझ आ रही है सबको, मैं आपके ना मैसेज साइड में भाई। यार रहमान भाई आप सबको म्यूट कर दो ना। म्यूट किया हुआ यार सबको, दोबारा कर दे फिर भी। यार ये देखें मैंने प्रॉक्सी सिलेक्ट कर ली है, प्रॉक्सी सिलेक्ट करने के बाद ये देखें मैं नीचे आ गया हूं। नीचे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला न्यू फिंगरप्रिंट चेंज करना, टोटल इंफॉर्मेशन चेंज करना पहला वो है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका यूजर एजेंट, जो किसी को नहीं पता। यूजर एजेंट चेंज करना है जी आपने, हर एक का यूजर एजेंट चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से इसका हर दफा चेंज हो जाता है, लेकिन जिस तरह गो लॉगिन का यूजर एजेंट नहीं चेंज होता था, ठीक है, उसके अंदर भी हमें मैनुअल यूजर एजेंट, आप गूगल पे लिखो जाके यूजर एजेंट मिल, आपको यूजर एजेंट मिल जाते हैं, वहां से यूजर एजेंट उठा के आप किसी भी ब्राउजर जो भी आप यूज कर रहे हो, अगर आपका यूजर एजेंट नहीं चेंज हो रहा तो एक यूजर एजेंट इट्स मीन एक मोबाइल एक डिवाइस। यूजर एजेंट अहमियत रखता है भाई, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है यूजर एजेंट आपका। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो किसी बंदे को नहीं पता ये चीज है, यूजर एजेंट बहुत अहमियत रखता है, लाजमी यूजर एजेंट लाजमी आपने हर दफा बदलना, न्यू फिंगरप्रिंट लाजमी हर दफा करना है। सही है, हर बंदे ने मेथड बताया होगा, लेकिन ये चीजें दोनों ही बताई होगी, न्यू फिंगरप्रिंट और यूजर एजेंट, ये लाजमी चेंज करने आपको, ठीक है। ये करने के बाद आप सिंपल से प्रोफाइल क्रिएट, आपकी एक प्रोफाइल अभी कम्प्लीट है, ये मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, ओके करिए। ये मेरी फर्स्ट प्रोफाइल जो है एक क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब ये प्रोफाइल मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसको यूज कर सकता हूँ। इसी तरह मैंने 7-8-10 प्रॉक्सियां लगाई थी, इसी तरह मैं दूसरी भी यहाँ से न्यू फिंगरप्रिंट करता हूँ जल्दी जल्दी, मैं 2-4 प्रोफाइलें क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरा OS सिलेक्ट है, अगले ब्राउजर में मैं लिनक्स सेलेक्ट कर सकता हूं, हर एक अलग अलग चीज के लिए। यहां पे जो प्रॉक्सी मेरी यूज हो चुकी है पहले लगाई है वो, उसके आगे एक का ये आ रहा है आपको नजर आ रहा है एक लिखा हुआ, दिस मीन ये प्रॉक्सी प्रोफाइल बन चुकी है। तो ये प्रॉक्सी अभी फ्री है, इनमें से मैं कोई प्रॉक्सी सेलेक्ट करता हूं, यहां से मैं नीचे आकर अपना यूजर एजेंट चेंज कर लेता हूं। यूजर एजेंट चेंज करने के बाद दोबारा मैं क्रिएट प्रोफाइल कर लेता हूं। ये मेरी नेक्स्ट प्रोफाइल भी क्रिएट हो चुकी है। यार ब्राउजर मेरा अभी डाउनलोडिंग कुछ रिसोर्स को डाउनलोड कर रहा है, तो इस वजह से स्टार्ट का ऑप्शन अभी नहीं एक्टिव हुआ। ये जब भी ओपन करते हैं डाउनलोड के आता है, ये नीचे नजर आ रहा है ना आपको, ब्राउजर इज डाउनलोडिंग, वो डाउनलोड हो रहा है। ये जब भी ओपन करेंगे ऐसे ही होता है, कुछ अभी डाउनलोड हो रहा होता है, बस ये नजर आ रहा है। यार इस तरीके से ये देखें मैंने दो प्रोफाइलें बना ली, इस तरीके से आप 4-5 प्रोफाइलें, ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइलें बनानी है, 6 प्रोफाइलें बनाओ या 5 प्रोफाइलें बनाओ। 5 प्रोफाइलें बनाने के बाद आप 5 ऑन करो, 5ों से क्लिक करो वापस आ जाओ, सही है। ये 5 प्रोफाइलें बना के अपना सीटीआर डाउन करना है, तो आप इनसे पेज व्यूज देख के सीटीआर भी डाउन कर सकते हो। तो भाई ये सॉफ्टवेयर डॉल्फिन का ही यूज करना है कि ADX पावर का? मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर नहीं, मैं कह रहा हूँ डॉल्फिन का ही मैंडेटरी है यूज करना है कि हम इसका ADS जो पावर आपने बताया था एक तो यूट्यूब पे उसको भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, डॉल्फिन करना है, ADS पावर के ऊपर ऐड एज वॉरियर मैसिव करेक्ट ऐसे वॉइस। क्या चीज कुछ क्लियर समझ में नहीं आया हमको, जब आप सारे लोग बोलते हो यार, यार एक जना सवाल करे मेरी माने ना यार, इतनी दफा मैं टैग फ्रॉम SMS को आजी मैं बोलूं एक बार SMS करें यार, मैंने ऑन किए हुए हैं। ओके 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 यार, फ्यू
सर ऐसे अच्छी टाइम बक्स की ट्रैफिक है सही कंपेयर करें जो टाइम बक्स की अच्छी ट्रैफिक और टाइम बक्स की ट्रैफिक और एड्स पावर भी यूज हां यार आप दो तीन जब भी एनबी टेक ब्राउजर यूज कर रहे हो ना दो तीन डिफरेंट ब्राउजर आपके पास ज्यादा टीम बैठी है तो तीन बंदे हैं तीनों को आप तीन अलग अलग ब्राउजर दो एक तो डॉल्फिन दो एक तो एड्स पावर दो एक तो मोर लोग तीनों को अलग अलग सही है बेस्ट रहेगा बेस्ट लोडिंग हो गया वेब शेयर से वेब शेयर वेब शेयर वेब शेयर वेब शेयर से रहते हैं सब को वेब शेयर की प्रोक्सी है ये लगाई हुई ये भी वेब शेयर की प्रोक्सी पहले यार मैं आपको बता रहा हूँ पिछले महीने मैंने जो लोडिंग की है वो पैकेट से प्रीम की प्रोक्सी से की है मेरा काफी इनवैलिड लग रहा है इसलिए मैं पैकेट से प्रीम का नाम ही ले रहा वेब शेयर का थोड़ा सा अच्छा रहा पैकेट स्ट्रीम वाला वाकई नहीं सही रहा ओए नारे ला के तू ना फोन करो रे माने पहचानिया नहीं है रहमान भाई जी जी मैं कर रहमान भाई बचाना नहीं मजर हूँ कौनसा अल्लाह का करम यार रहमान भाई आप सुनाए क्या हाल चाल है थैंक यू सर ये तो आपकी मेहरबानी है मैं नहीं नहीं मैं वेट कर रहे कदों थक दे रहे तो मैं कमा उमर भाई नु कह दियो या मैं समझा दियां प्रोटॉन वीपीएन की वीआईपीएस 30 दिन तक लाइव रहती है फ्री प्रोटॉन वीपीएन यार मैंने बताया प्रोटॉन वीपीएन अच्छा मैंने शुरू में आपको बताया अच्छा कौन है भाई सर कंट्रोलर ही ट्रैफिक दे रहा है बंदा एक भाई मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक यूज करता हूं जो कीवर्ड वाले रिसर्च में शोर में था मैं कहा मुझे सेल करते हो फिर मुझे मैंने भी दे जो सर्च कंसोल पर जाकर देखता हूं उमर भाई ने बोल दिया बाकी वो कह रहे हैं मोबाइल का मुझे नहीं पता जानती हूं मोबाइल का नहीं पता यार मोबाइल पे मैंने कभी वर्क नहीं किया ना मुझे पता मोबाइल पे कैसा होता कोई मोबाइल के बारे में मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता हूं यार मोबाइल पे वो ब्राउजर नहीं सही तरह से वर्क करता $10 फहद भाई कम से कम $10 ऐड होते हैं टाइम बक्स में कम से कम $10 ज्यादा दिन में प्रति कर भाई ये भी बता दें ऐड पर क्लिकिंग कैसे करते हैं इंप्रेशन कैसे देते हैं क्या कह रहे हो भाई मैं कह रहा हूं भाई ये भी बता दें कि ऐड पर क्लिकिंग कैसे करते हैं इंप्रेशन कैसे काउंट होता है और कौन सा अकाउंट होता है एक करके दिखा देना फ्रेश अकाउंट नहीं फ्रेश अकाउंट नहीं ऐड पर क्लिक कैसे करते हैं और इंप्रेशन कौन सा अकाउंट होता है और कौन सा क्लिक में जाता है यार मैं आपको बताऊं किसी का नाम ना लो मेरे सामने यार किसी को ना कोई करो यार पर्सनल कोई चीज ना करो यहां पे मेथड है फ्री वाला आप लोग सीखो आपके साथ फ्री ऑफ बैठा हुआ है मेरे भी कोई ना आपके साथ बैठा है मैं बैठा हूं फ्री भाई नहीं रहमान भाई यहाँ पर्सनल टॉक कोई ना करे यार रहमान भाई मेरा एक क्वेश्चन था भाई आपसे भाई क्लिकिंग ड्रॉप का बता दें ये क्लिक जो ड्रॉप होते हैं क्लिकिंग तो यार मैं अभी बताया आप सब लोगों को नहीं भाई जो ड्रॉप हो जाते हैं मिसाल है कि मैंने 10 क्लिक किए हैं तो ड्रॉप का आपको बताया तो वो जब एंड पे गूगल का क्रॉलर आता है ना वो ये चीज सर्च करता है कि क्या ये चीजें जो भी आप करवा रहे हो यार ये नाम करो यार क्या कहते हो
شرارتی بچوں کی طرح. اچھا کوئی نہیں لگے گا یار, کلک ڈراپ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ کی آئی پی آپ یوز کرتے ہیں نا پروکسی, اینڈ پہ وہ سین یہ چیک ہوتا ہے کہ جو پروکسی ایکٹیو ہوتی ہے وہ کلک کاؤنٹ ہو جاتا ہے, جو ایکٹیو نہیں ہوتی وہ انویلڈ میں چلا جاتا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا پی اے یہ پروکسی کی جو آئی پی ہے وہ 40 دن تک لائیو رہتی ہے, ٹھیک ہے 40 دن تک لائیو رہتی ہے, وہ سب سے بیسٹ پروکسی ہے, اس کا کلک ڈراپ نہیں ہوتا. آپ وہ کر سکتے ہیں. سر ایک سوال ہے سر, اج ساری کلاکاری رحمان بھی تو اڑی سکرین تے ہونی ہے. میں آج تک نہیں پاکستان کا میں نے خود نہیں پن منگوایا ہوا, ٹھیک ہے میں آج تک میں نے نہیں پن منگوایا, نہ میرے ایڈریس پہ آیا نہ کوئی سین. میں ہمیشہ پن ویریفائی سائٹ میں بائی کیا, اگر فریش بائی کیا تو اس سے سروس لی ہے. یار بس کرو ساری کلاکاری براؤزر پہ کرنی ہے, سب نے جو یار وہ میں آپ کو چیز بتانے لگا تھا, VPN کا رحمان بھی DNS لیک ہو جاتا ہے نا. کیوں رحمان بھائی برادر پیمنٹ کے لیے بینک کون سا ایڈ کرنا چاہیے؟ یار کوئی بھی بینک ایڈ کر لو, اس میں بینک کوئی بھی UBL اور میزان بینک یہ بیسٹ ہیں یار. میرا میں لائٹ بینک کا ایڈ کرتا ہوں, میری ابھی تک لائٹ بینک کے اندر پیمنٹ نہیں آئی. جو پچھلے مہینے 21 تاریخ کو میری پیمنٹ لیز ہوئی تھی ابھی تک نہیں آئی, میری کسی بھی سائٹ کی پیمنٹ ابھی تک ملے نہیں ملی, جب ملے گی ان شاء اللہ سب سے شیئر کروں گا. رحمان بھائی ایڈ پہ کلک کا بتا دیں, ایڈ پہ کلک کیسے کرنا ہے تاکہ ہم جائیں؟ یار ایڈ کے اوپر کلک کرنا بتاؤں, میرا نیٹ ورک تھوڑا سلو چل رہا ہے, براؤزر آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو, میں نے وہ یار بتانا آپ کو بتا دیے کہ پروفائلنگ کس طرح کریٹ کرنی ہے. سمپل آپ نے ریڈ ایڈ لنک لگانا ہے, اس جس پوسٹ کے اوپر آپ نے ٹریفک لگوائی ہوئی ہے نا اس پوسٹ کا آپ نے ریڈ ایڈ لنک بنانا ہے. ریڈ ایڈ لنک بنانے کے بعد اس کے اوپر جانا ہے, اس کے اوپر جا کے آپ اس سے نیکسٹ پوسٹ پہ جا کے کلک کر سکتے ہو, یا اسی پوسٹ کے اوپر بھی آپ کلک کر سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں. بھائی یہ ٹریفک کہاں سے لینی ہے ہم نے؟ یار یہ اوپن ہو جاتا ہے, بس نیٹ سلو ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے, نیٹ کا ویسے مسئلہ. سر رحمان بھائی میں کرتا ہوں, رحمان بھائی ایک سوال ہے سر, یار یہ کہ ہم سیلف کلکنگ کرتے ہیں تو ایڈ لمٹ آ جاتی ہے, اس کو کس طرح ریموو کرنا کوئی بتائے گا؟ رحمان بھائی ایک بات پوچھنا تھا, میں نے بہت سے پروکسی کے بارے میں سنا ہے کہ شاک 5 کی پروکسی اچھی ہوتی ہے HTTP کے مقابلے, تو
जो वेब शेयर्स में प्रॉक्सी खरीदूंगा तो वो शॉक 5 की यूज करूं, मतलब दोनों यूज कर सकते हैं हम। PA 5S की प्रॉक्सी भी अच्छी है यार, उसका रेट ज्यादा हाई है यार। $10 के हिसाब से जितने भी TRS पड़ेंगे ना, $10 कम से कम डिपॉजिट होते हैं वो हिसाब से आप देखिए। रहमान भाई ट्रैफिक का ये ना सवाल पूछना है यार, क्लिक ऐड के ऊपर ही क्लिक करना है, प्रोफाइल क्रिएट होगी, इसको स्टार्ट करना है, प्रोफाइल के अंदर जाके टिक पेस्ट करना है, आपने डेट टैग में को क्लिक करना है। और कितने पेज व्यूज के बाद क्लिक देने यार, आपने ट्रैफिक लगाई होगी, बस क्लिकिंग आप स्टार्ट करते हैं। अगर खुद ही आप सेल्फ सेट ट्रैफिक दे रहे हो ना तो 40-50 पेज व्यूज के ऊपर एक क्लिक दे जाओ। रहमान भाई मेरा लास्ट सवाल है भाई, मैंने अभी ज्वाइन किया है आपका ये Zoom, मुझे बता दीजिए ट्रैफिक कहां से लेनी है हमने, मैं टाइम बक्स से ले रहा हूं इस टाइम। इससे अलावा सस्ती और कौन सी है? आपकी आवाज सही नहीं आई भाई। टाइम बक्स में जो ट्रैफिक लेते हो और डॉलर्स में लेते हैं या TRX से? यार तो ठीक है, अभी काफी लोग क्लास से जो है ना तंग आ चुके हैं, तो ये सारा सीन हो रहा है, अच्छे वाले पढ़े लिखे लोग फिर आप ऐसे कर रहे हो। रहमान भाई क्या हाल है? रहमान भाई क्या हाल है? अब्दुर्रहमान नवीद बात कर रहा हूँ। नवीद रहमान भाई जिन्होंने आपको साइड देनी है उसका क्या प्रोसीजर? बात कर रहा हूं। अच्छा यार, जिसने भी पार्टनरशिप के लिए मुझे साइड देनी है 3-5 को साइड देनी है, उसका मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो हम 60% लेते हैं, 40% अगले बंदे को जिसकी साइड है उसको देते हैं ना पेमेंट आने के बाद, उसके अंदर बैंक हम अपना ऐड करते हैं। एडसेंस का होल्ड हमारे पास होता है पूरा, तो एडसेंस बार बार कभी इस कंप्यूटर में लॉग इन करना होता है, उसमें लॉग इन करना होता है, तो वो सारा रिकवरी हम अपनी ऐड कर लेते हैं। एडसेंस अगले बंदे के पास, ओनर के पास भी लॉग इन होता है, उसे भी पासवर्ड पता होता है, हर चीज वगैरह हर चीज वो वहाँ से देख रहा होता है, लॉग इन होता है उसके पास, हमारे पास भी होता है, लेकिन रिकवरियाँ वगैरह टू स्टेप वगैरह वो हम अपना लगाते हैं ताकि लॉग इन करने में हमें कोई मुश्किल ना हो। 60% हम लेते हैं और 40% देते हैं। भाई एक 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 है, जब पार्टनरशिप करते हैं आप एक वेबसाइट पे कितने कम से कम कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं? डिपेंड ऑन सीपीसी जिसका अच्छा है ना, कितने ज्यादा डॉलर्स के ऊपर जनरेट होते हैं। वैसे कम से अस्सलाम वालेकुम, कम से कम 2-3 हजार डॉलर। और ये पाकिस्तानी कौम है भाई, फ्री में मिल रहे हैं ना लेक्चर, तो ये स्क्रीन गंदी कर दिया ना भैया, ये स्क्रीन पर कौन ये क्या कर रहा है ऐसे यार, मना करें यार, पागल पाकिस्तानी लोग है ना, फ्री में मिल रही है चीज इसलिए। रहमान भाई इनको रिमूव कर देना, ये जो कर रहे हैं ये तो आपको यार, ये जो बंदे क्लास में इस तरह की नहीं हुआ, पेड क्लास यार, ये क्लास 6000 रुपए की होती ना तो बहुत अच्छा सीन होता। रहमान भाई सुनो ना भाई, स्कूल से लेनी थी क्लास एंड तक यार, इन बंदों को मना करें ना, क्या कर रहे हैं। मैंने Zoom पे दी है किसी भी, आज तक मुझे नहीं पता किसी, बिल्कुल मैं रहमान भी आपके सेशन में रहा हूँ, ये वहाँ को जब तक मैं रहा हूँ। रहमान भाई एक आईपी पे कितनी ऐड पे क्लिक करना है, एक आईपी से? एक आईपी से कितनी ऐड पे क्लिक करना है? देख रहा हूँ आपका, लेकिन लोडिंग ना सक्सेस ना सार्स ना का पता चला, कहां से स्टार्ट करनी कहां पे एंड करनी। भैया आपने वैसे 100 पार्टिसिपेंट्स किए हुए थे ऐड, वो ही नहीं था जब आपने दूसरी दफा बोला कि ज्वाइन करो तब हमने ज्वाइन किया मैंने तो। अच्छा भाई, जब हम चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हैं, उसे ह्यूमन कैसे करेंगे? भाई
रहमान भाई आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही, बहुत इको 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 वॉइस कर रहा है बहुत ज्यादा। क्लास एंड करते हैं, वो बंदे बता रहे हैं ये क्लिक करके। भाई प्लीज लास्ट लास्ट बात सुन लीजिएगा भजन, ट्रैफिक ट्रैफिक स्टार से, ट्रैफिक स्टार से हमने अगर ट्रैफिक लेनी है तो उसके लिए पोस्ट का लिंक कहां से हम बनाएंगे ऑर्गेनिक? डायरेक्ट लिंक फायरफॉक्स से, वही मैंने बताया, वो मैंने YouTube पे बताया। फायरफॉक्स से बनेगा? चलिए ठीक है, मैं वो ऑर्गेनिक होगा या कौन सा होगा? हां ऑर्गेनिक होगा वो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक भाई एक साइट google.com से ही बनता है ना, तो वो भी ऑर्गेनिक में ही आता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं ट्रैफिक स्टार में? हां यूज कर सकते हैं। रहमान भाई हादी बात कर रहा हूं, रहमान भाई एक क्वेश्चन था। हेलो रहमान भाई, हादी बात कर रहा हूं, आवाज आ रही? अस्सलामुअलैकुम अब्दुर्रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुर्रहमान भाई, ये मैंने आपसे पूछना था, मैं न्यू यूजर हूँ ब्लॉगिंग के लिए, तो मैंने फर्ज किया एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है? वेबसाइट बनाने के बाद मैं गूगल एडसेंस पर अप्रूव के लिए अप्रूवल भेज दूँ या फिर उस पर पहले ट्रैफिक लेकर आऊँ? कोई भी रैंकिंग में जो साइट है उस पे जाए और जो आर्टिकल लिखना है आपने उसकी रैंकिंग साइट के अंदर जाए, आर्टिकल पूरे का पूरा उसको कॉपी करें, चैट जीपीटी के अंदर जाए, उससे बोले रीराइट कर, उसको रीराइट करके दे देगा, उसको जाके प्लेजरिज्म चेक कर ले, सारा कुछ चेक करने के बाद उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अच्छा चैट जीपीटी से क्वेश्चन लिखवाएंगे ना, वो पूरा एआई डिटेक्ट हो जाएगा, वो पूरे का पूरा। यार रहमान भाई वो जो लोग बिगिनर हैं ब्लॉगिंग में, वो लोग रहमान भाई के उधर ना स्टार फाइव का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसको जाके वीडियो देख ले। रहमान भाई मेरा टीम, रहमान भाई ब्लॉगिंग के रिलेटेड हमने वो अपलोड की तो ही है। अच्छा रहमान भाई एक और यार मेरा भी क्वेश्चन है, मेरी भी सुन ले यार कोई ना। अच्छा रहमान भाई ये बताएं कि यार जो अप्रूवल का सीन है, हम कौन सी ग्रुप से जो ले सकते हैं वेबसाइट है, अप्रूवल वेबसाइट? रहमान भाई अगर हमने कल ट्रैफिक ली है साइट पे और आज क्लिक्स कर सकते हैं? चलें यार अल्लाह हाफिज़ सबको। ठीक है भाई अल्लाह हाफिज़। ओके जज़ाकअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे मेरी तरफ से। अरे रहमान भाई लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो खाली बस। रहमान भाई मुझे मैसेज कर देना आप। जी बोलिए आप। हाँ मैं बोल रहा था कि पहला क्वेश्चन मेरा ये था, जो आपने वेब शेयर वाली प्रॉक्सी बताई थी, तो उसके अंदर जो मैं प्रॉक्सी बाय करूंगा वो डेटा सेंटर की चलेगी ना, रेसिडेंशियल तो नहीं चलेगी? सेकंड क्वेश्चन ये था कि लोडिंग करने के लिए बेस्ट डेट क्या होगी, 20 वो 21 तारीख से लेके 30 के बीच में? ओके बस मुझे यही सवाल पूछना था। ओके थैंक यू यार। जो भी बंदा कोई सर्विसिंग है ना किसी बंदे के पास, कोई बंदा साइट सेल करता है पाकिस्तानी यूएसए यूके ट्रस्टेड पर्सन है, मेरे साथ कांटेक्ट करके मैं उसकी साइट सेल करवा सकता हूं। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं साइट्स लेनी, अभी भी कईयों ने लेनी हो, मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, तो जो बंदा सेल करता है साइट मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है, जिसमें बाय करनी है वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है, पार्टनरशिप वाले मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक के लिए टीम स्टार फाइव से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब सर्विसेज के साथ अपने भाई स्टार फाइव को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।